आपका फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल तमोरी ट्यूटर पे। आज से हम टर्न 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम पहला चैप्टर ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यकीन मानो बच्चों, अगर मेरे साथ रहोगे, जिस हिसाब से मैं करा रहा हूँ वैसे ही करोगे, तो आपका टर्न 2 का सिलेबस ऑनलाइन ही सारा क्लियर हो जाएगा। मैं हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा ऑनलाइन इसी में सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म 2 के अंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले तो हमको ये जानना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब तक हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल की थी, तो वहां पे आ रहा था लीनियर पॉलीनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये सब हमने वहां पे पढ़ी थी। तो इसके अंदर होता क्या था, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो वाली लीनियर पॉलीनोमियल होती थी। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 2 हो, क्यूबिक जिसकी डिग्री हमारी 3 हो, बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री हमारी 4 हो। जिसको डिग्री नहीं पता वो बता देते हैं, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर एक पॉलीनोमियल अगर लिखी हुई है उसके अंदर जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे हमारा ये लिखा है 3x² प्लस 8x प्लस 4, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है, तो इन दोनों से जो हाईएस्ट पावर है x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। समझ में आया डिग्री? तो वही बोल रहा हूँ मैं, वो पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारी लीनियर होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है हमारी क्यूबिक पॉलीनोमियल होती है, एंड लास्ट जिसकी डिग्री 4 होती है हमारी बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होती है। तो हमको मेन काम अभी इसका है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे ये इसकी डिग्री 2 हो गई, बट ये अभी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इक्वेशन नहीं बनी। इक्वेशन जब बनेगी, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को, कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगी उसको हम अगर जीरो को इक्वेट कर दें, अगर वो जीरो के इक्वेट हो जाएगी तो क्या बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को ही जब हम जीरो के बराबर रखते हैं तो होते हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे पता चलता है, इसकी डिग्री हाईएस्ट 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, इसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को पहचानने के तरीके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल नहीं इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमको पता भी तो चलना चाहिए कौन कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। तो सबसे पहली बात, डिग्री मस्ट बी 2, डिग्री मस्ट बी 2, डिग्री तुम्हारी 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं होगी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं होगी तो हम उसको 0 के बराबर नहीं रख पाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो डिग्री तो हमारी 2 होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव, डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव, डिग्री हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। थर्ड, डिग्री मस्ट बी इंटीजर, डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए। इंटीजर की फॉर्म मतलब क्या है, जैसे हमारी डिग्री है वो हमारी इस फॉर्म में होना चाहिए 2, सभी की डिग्री, डिग्री छोड़ो यहाँ पे पावर आना चाहिए, पावर जो हमारी एक्स है, एक्स या वाई की फॉर्म में जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी उनकी पावर सभी की पॉजिटिव होनी चाहिए, सभी की पावर इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि 2 हो, 1 हो, 0 हो, 0 भी लगा सकते हैं, 0 छोड़ो अभी अभी नहीं, 2 और 1 समझो, 2 हो, 1 हो, या फिर ऐसी हो, ये हमारी होगी पॉजिटिव, -2 -1 ना हो, -2 -1 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है पावर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया इंटीजर की फॉर्म में 2 1, ऐसा ना हो 1/2, 3/4, 5/6, 8/2, ऐसा हो सकता है, इसको कट के क्या आ जाएगा 4 भी ना हो चाहिए क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। पहली एक्सरसाइज का था, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कोई भी स्किप नहीं करे, नोट जरूर कर ले कॉपी के अंदर, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे ये नोट होने चाहिए, यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सीबीएसई के अंदर आया हुआ था 2020 में, आया था कंपार्टमेंट में आया था ये क्वेश्चन, और उसमें भी आया था जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आया था।
ठीक है, यहां तक इसको नोट कीजिए। अभी इसको क्वेश्चंस कराते हैं, रफ कर दें, अभी नहीं कर रहे, वो साइड में लिखा दीजिए, हम सब क्वेश्चन कराते हैं साइड में। देखिए पहला क्वेश्चन आता है 4x² - 8x + 4 = 0, चेक वेदर, वेदर की स्पेलिंग पता नहीं, चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक कीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वेदर की स्पेलिंग से लिखा है मैंने, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है या नहीं है। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इन तीन चीजों को मैच करना, सबसे पहला डिग्री मस्ट बी टू, तो डिग्री इसमें हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर है वो चेक करो, तो डिग्री इसकी टू है, पहला पॉइंट चेक हो गया। सेकेंड पावर मस्ट बी पॉजिटिव, सभी एक्स के वेरिएबल, सभी वेरिएबल्स की पावर जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। पावर यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, एक्स की पावर जीरो क्या होता है, वन, यहाँ पे वन आ जाएगा ना, चलो छोड़िए, अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इतना समझ लो, यहाँ पे एक्स की पावर टू है, यहाँ पे एक्स की पावर वन है, ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर टू, यहाँ पे एक्स की पावर वन, सेकंड पॉइंट भी चेक हो गया, पावर मस्ट बी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है। थर्ड पावर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए सभी पावर, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, कुछ भी आधा पौना कुछ भी नहीं है, मतलब 1/2, 1/4 इस टाइप के अंदर कुछ भी नहीं है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड आता है 4x² - 2√x + 8 = 0, इसको चेक करना है, ठीक है ना, तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहला डिग्री मस्ट बी टू, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे रूट होता है, तो रूट को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 4x² - 2x की पावर 1/2 + 8 = 0, है ना, एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि तो जो रूट होता है उसकी पावर 1/2 की फॉर्म में लिखी जा सकती है, पढ़ा है सबने, तो ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री मतलब होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे टू है, ठीक है, तो डिग्री कितनी होगी, टू, ओके। सेकेंड पॉइंट पावर मस्ट बी पॉजिटिव, सभी पावर हमारी पॉजिटिव है, सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, तो ये भी चेक हो गया, पॉजिटिव मतलब सभी की पास पावर जीरो से बड़ी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट पावर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मैंने बोला था कि इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे नंबर है पूरा, यहाँ पे पूरा नहीं, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 मतलब आधा, मैंने मना किया था 1/2 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, 5/6 नहीं होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, पावर मस्ट बी इन पॉजिटिव इंटीजर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रैक्शन है तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, तो फ्रैक्शन जब थर्ड आ गया, फ्रैक्शन फ्रैक्शन के अंदर है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सब कुछ, नोट कीजिए, रफ कर दें, अब तो कर देना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेक कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, x + 1/x = 8, चेक करना है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही नहीं लग रही मेरे को कुछ भी, पहले तो चेक इसको सॉल्व करके जो फॉर्म हमने पढ़ा है उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है, जनरल फॉर्म मतलब जनरली इस टाइप में मिलेगी, ax² + bx + c = 0, ठीक है, और ये तो कुछ अजीब सा ही फॉर्म है, तो पहले इसको सॉल्व करके हमको लाना पड़ेगा तभी तो हम चेक कर पाएंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे नीचे, यहाँ पे वन है तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे एक्स आ गया, जब कभी नंबर्स का एलसीएम लेना तो इजी होता है, अगर ये जो नीचे अल्फाबेट्स हो उसका एलसीएम लेना नहीं आ रहा हो तो नीचे जो है उन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बोल रहा हूँ, जो नीचे डिनोमिनेटर में उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मैंने बोला 1/x + 1/3x, और इसका एलसीएम क्या आएगा, बहुत से अच्छे तो कर लेंगे, जिसको नहीं आ रहा है एलसीएम लेना तो क्या कीजिए, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x * x, यहाँ पे जो है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे जो है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 3x + 1 × x, 3x + x / 3x² = 4x / 3x², एक्स एक्स गया तो 4/3x आ गया, ठीक है समझ में आया, इसको नॉर्मली एलसीएम लेते तो इसका एलसीएम 3x आता, 3x से करते तब कुछ ज्यादा 3x आता, यहाँ से x x करता 3 आ गया ऊपर, प्लस
थ्री एक्स से थ्री एक्स पूरा करेंगे तो वन आ जाता, थ्री प्लस वन फोर अपॉन थ्री एक्स। जिसको नहीं आ रहा, कहीं कभी क्या होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे रखा होता है नीचे डिनोमिनेटर कि उसको एलसीएम में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे क्या करना है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, जो इधर है वो उधर ले आओ, जो इधर है वो उधर ले आओ। ठीक है, सिंपल। हमको ये करना था, वन इंटू एक्स कर लिया, एक्स आ गया, एक्स को इधर भेजा एक्स स्क्वायर, वन को इधर भेजा वन आ गया, ठीक है, इक्वल टू एट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके साथ ये है तो इसको इधर भेज दीजिए, भेज दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एट एक्स हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एट एक्स, और सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। आ गया कि नहीं आ गया, ये आया या नहीं आ गया, किसके फॉर्म में है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नोट करते चल रहे हैं ना सभी चीज। ठीक है, अब मान लीजिए इसी की जगह मैं एट की जगह, यहां पर एट की जगह कुछ और ले लेता, मान लो एक्स स्क्वायर ले लेता, यहाँ पर एट की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिया, सभी को हटाते फिर से करते हैं, एट की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिया, एलसीएम फिर से लिया, एक्स आ गया, एक्स को इधर भेजा एक्स स्क्वायर, वन को इधर भेजा वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, चलो इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। चेक कीजिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए उधर क्या लिखा है, डिग्री मस्ट बी टू, डिग्री हमारी इसकी क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। तो डिग्री इसकी टू है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री टू, तो थ्री है हाईएस्ट पावर। तो पहला पॉइंट इनवैलिड हो गया, एक पॉइंट इनवैलिड मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसकी डिग्री कितनी होनी थी, थ्री। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। बताइए क्या ये डिग्री, वो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करके बताइए। चलिए अभी चेक करते हैं। पहला पॉइंट, डिग्री मस्ट बी टू, डिग्री हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, टू। यहाँ पे कितनी है बताओ, वन अपॉन टू, नहीं यहाँ पे वन है, ये जो रूट है वो ओनली टू पर है, एक्स पे नहीं है, गलती मत करना, ये जो रूट है वो किस पे ओनली टू पर है। अगर ये रूट ऐसे होता तो एक्स की पावर वन अपॉन टू आ जाती, लेकिन ये रूट ऐसे ना होके सिर्फ ऐसे है, ओनली टू तक है रूट। ठीक है, रूट कहाँ तक है, ओनली टू तक है। तो ये नंबर है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कॉन्स्टेंट के लिए माइनस भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट रूट फॉर्म में भी हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है। कॉन्स्टेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको वेरिएबल से मतलब है, सीधी बात। ठीक, हमने तुमको बोला कि पावर मस्ट बी पॉजिटिव, पावर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, पावर किसकी होती है, वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल, और चीज लिख लेते हैं, वेरिएबल लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने नोट्स में ऐड करते चलिए, वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव, ये वेरिएबल की बात चल रही है। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पे कितनी हो गई, टू हो गई। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट वैलिड हो गया। सेकंड, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव, इसकी पावर टू इसकी पावर वन पॉजिटिव है, सेकंड पॉइंट भी वैलिड। थर्ड, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर की फॉर्म हो जाएगी, ये वन और ये टू, तो इंटीजर भी है, इंटीजर की फॉर्म में भी आ गया, तो ये इंटीजर वाला फॉर्म भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बन गई तो बन गई, हमारा तो काम है चेक करना, चेक करके बता दिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए एक क्वेश्चन अपने आप करते हैं, एक्स प्लस वन का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस सिक्स। बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वीडियो को रोक दीजिए, करना चालू कर दीजिए, रोक दीजिए वीडियो। कर लिया, चलिए हम चेक करते हैं, चेक करते चलना अपना। सबसे पहली बात तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, सबसे पहली चीज ये सॉल्व होके आनी चाहिए जनरल फॉर्म के अंदर, फिर हम इसको चेक करेंगे, उसमें क्यूब वगैरह लगे हुए हैं इसको चेक करेंगे। वैसे तो यहाँ से दिख रहा होगा बच्चों को क्यूब आ रहा है, तो क्यूब आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होनी चाहिए, फिर भी सॉल्व करेंगे, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाएंगे, क्या पता आगे सॉल्व करने पर कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही हो,
है ना, तुम लोग यहीं से एक्स क्यूब देखकर तुम बोल दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसा मत करना, अपनी होशियारी मत दिखाना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 मिनट की बात होती है, 2 मिनट भी नहीं, तुम लोग अगर प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, एक्स प्लस वन का होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, फॉर्मूले याद होने चाहिए, सभी आइडेंटिटीज याद होंगी तो मैथ बहुत सिंपल है, याद नहीं होगी तो वही अटक जाओगे। जिसको फॉर्मूला याद होगा वो सॉल्व कर लेगा, जिसको नहीं याद होगा वो नहीं कर पाए, फिर तो तीर तुक्के लग चलेंगे यहाँ पे। और इस बार तो टर्म 2 के अंदर तो सब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो तुक्के भी नहीं चल पाएंगे। तो ठीक है, इसको खोलते हैं। ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब 1 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। चेक करते चलिए, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 एक्स इंटू एक्स 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स इंटू 1 3 एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। एक्स क्यूब कैंसिल आउट टीच अदर, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मर गया। अरे भाई एक्स क्यूब तो गायब ही हो गया, जिसने एक्स क्यूब के हिसाब से लगाया होगा वो तो गलती हो गया, यहाँ पे एक्स क्यूब चला गया। 3x² 3x² + 3x + 3x, इधर से इसको उठा के हम इधर ले आए, जब इधर लेके आते हो तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का तो माइनस हो गया, और इसको भी लिया है तो ये माइनस का 6 6 है ये। ठीक है, तो 3x² + 2x - 6 = 0। चेक दी क्राइटेरिया, जो इसका क्राइटेरिया होता है उसको चेक कीजिए, इन तीन चीजों को, डिग्री मस्ट बी 2 डिग्री 2 है यहाँ पे, 1 डिग्री आई 2 हो गई। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव, जो वेरिएबल की पावर है हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, वेरिएबल x x 2 1 सब कुछ वेरिएबल की पॉजिटिव पॉजिटिव है, वेरिएबल की पावर हमारी पॉजिटिव पॉजिटिव है। सेकंड, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर की फॉर्म में भाई 2 और 1 2 और 1 तो पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं, 2 और 1 तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हुआ कि नहीं? जब तो बोलते हैं कि ज्यादा होशियारी ना दिखा के सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा सीधे से, जो तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है किसी भी चीज को बिना सॉल्व किए जज मत करना, जो तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, जो तुम्हें तरीका पता है सॉल्व करने का तो सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी, क्लियर करा दी। एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी फर्स्ट एक्सरसाइज, आरएस अग्रवाल के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज, आरडी शर्मा के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज, इन चीजों के ऊपर बेस्ड है, वहां से कीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान बहुत दे दिया, जो काम है पढ़ाना वो करते हैं। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे नाम आए सॉल्यूशन से, चाहे नाम आए रूट से, चाहे नाम आए जीरोस से, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों का मतलब एक ही होता है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² + x + 6 की फॉर्म में, हमें उसके अंदर किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम बताते हैं कैसे निकाल लेते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप से किया जाता है, वो भी आगे बताते हैं, समझ लीजिए पहले होता क्या है सॉल्यूशन। जैसे हमारी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, चेक एक इक्वेशन ले लेते हैं अच्छी सी, जैसे हमारी इक्वेशन लिखी है 2x² - 5x + 3। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी 2x² - 5x + 3 = 0, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको बताना है सॉल्यूशन का मतलब होता है, यहाँ पे आएगी एक्स की वैल्यू, जो कोई भी एक्स वैल्यू निकल के आएगी, वो तरीका हम सिखाएंगे अभी, रुक जाइए, पहले जो समझा रहे हैं वो समझिए। जो कुछ भी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, अगर उस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करें एक्स की जगह पर, जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू सपोज 1 आई, सपोज बोल नहीं रहा हूँ, 1 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 आई सपोज, तो एक्स की वैल्यू को रखने पर इसके अंदर एक्स की जगह पे एक्स वैल्यू रखें
और वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए सॉल्व करने पे, तो वो इसका जीरो होगा, जीरो होगा, रूट होगा, सल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। समझ में आया नहीं आया? फिर से देखिए, 2x² - 5x + 3 = 0 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके अंदर x की वो वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम इसके अंदर पुट करें तो वो पुट करने पर RHS के बराबर आ जाए, LHS बराबर RHS हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। अब समझ में आया? ठीक है, जैसे मैंने बोला x इक्वल टू वन, चेक कीजिए x इक्वल टू वन इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा हमें, देखिए इसको हम डिनोट fx से करते हैं। ठीक है, fx से नोट डिनोट कर लीजिए या फिर px से और कर देते हैं px। ठीक है, ये जो x लिखा होता है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, चेक करेंगे, रुक जाइए, पहले ये समझ लीजिए, ये जो x लिखा होता है इसका मतलब होता है x की वैल्यू। जैसे अभी मेरा लिखा हुआ है px = 2x² - 5x + 3। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया x की जगह पे अभी x ही पुट करना है। x की जगह पे क्या पुट करना है, x ही पुट करना है। ये हमें बताता है वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू वन लिखा, तो मैं उसको अगर ऐसे लिख दूंगा p इक्वल टू वन, तो इसका मतलब हो गया हमें x की जगह सभी जगह वन रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 × 1² - 5 × 1 + 3। 2 × 1² 2 - 5 + 3, 2 + 3 5, 5 - 5, ज्यादा एक स्टेप आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, 5 - 5 = 0। मतलब LHS RHS के बराबर हो गया, मतलब इसका जो जीरो है x इक्वल टू वन वो इसका जीरो है। हेंस x इक्वल टू वन इज अ रूट या फिर जीरो या फिर सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आई बात? अब तक तो हो गई होगी क्लियर, आप झूठ नहीं बोलना, अब तक क्लियर हो गई। ठीक है, x इक्वल टू वन इसका क्या है, सॉल्यूशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो है। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, चेक कीजिए 1/3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। निकालने का तरीका सिखाएंगे, अभी पहले समझिए कि होता क्या है, निकालने के तरीके सिखा देंगे, सभी सिखाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। चेक कीजिए x इक्वल्स टू 1/3 इज अ सॉल्यूशन और नॉट इस चीज का। तो क्या करेंगे, पी 1/3 इक्वल्स टू 2 × 1/3 का स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है, ये चीज लिखना जरूरी नहीं, वो तो मैंने तुमको बता दिया है बस, मतलब ऐसा ये ऐसे अगर कहीं लिख के आए तो इसका मतलब समझ जाना कि x की जगह हमें 1/3 पुट करना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा आता है, ये इक्वेशन दे देगी, मतलब सीबीएसई ये क्वेश्चन दे देगी, बोलेगी चेक कीजिए p/3 = 0 और नॉट। तो वहां पे बच्चों को पता होगा तो कर लेगा कि यहाँ पे x की जगह 1/3 रखना, नहीं पता होगा तो फिर वो रुक जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि 1/3 इसका मतलब होता है x की जगह सभी जगह 1/3 रखना है। अब इधर कंसंट्रेट कीजिए, -5 × 1/3 + 3 = 0। ये जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वल टू जीरो नहीं चलता है। ठीक है, जब इस फॉर्म में लिखें px = ये, इस फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल टू जीरो नहीं आता है। अगर तुम तो इसको हटा दें ऐसे लिखोगे तो इक्वल टू जो चल रहा था उसको चलाते रहो। ठीक है, 2 × 1/9 - 5/3 + 3 = 0, 2/9 - 5/3 + 3 = 0। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, 2 - 5 × 3 = 15 + 3 = 27 = 0, 15 - 2 = 13 + 27, ये तो आई नहीं रहा जीरो के बराबर, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन नहीं है। हेंस x = 1/3 इज नॉट रूट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 1/3 था, 2 लिख दिया हमने गलती से, 1/3 इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है, ना ही सॉल्यूशन है ना ही जीरो है। समझ में आई बात? हमको क्या करना होता है, जब कोई भी चेक करने के लिए बोलेगा तो हमको क्या करना होता है, जो वैल्यू दे रखी होती है एक्स की या फिर वाई की या फिर किसी भी फॉर्म में हो पॉलीनोमियल हमारा, तो उसके अंदर पुट करनी होती है और फिर चेक करना होता है कि RHS के बराबर आ रहा है। RHS में जीरो हो तो जीरो के बराबर आना चाहिए, RHS में कुछ और हो तो कुछ और के बराबर आना चाहिए, यूजुअली जीरो ही मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया चेक कीजिए x = a इसका सॉल्यूशन है या नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया p(a)। ठीक है, तो a का मतलब हो गया x की जगह मुझे सभी जगह a रखना है, जितनी भी जगह x दे रखा है इस पॉलीनोमियल के अंदर उसके हर एक पॉइंट पे मुझे a पुट करना है।
तो देखिए, टू ए का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू ए प्लस थ्री, टू ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस थ्री, ये एक और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गई उसी फॉर्म में। मतलब वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया, बस मैंने बताया था कि एक्स वेरिएबल रखा जाता है, ठीक है, जो कुछ दे रखा हो तुम्हें, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी पूरे अल्फाबेट्स के अंदर से कुछ भी दे रखा हो तो तुम्हें एक्स वेरिएबल वही रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब तक। ओके क्वेश्चन है हमारा, सो डेट रूट टू एंड माइनस टू रूट टू आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है लास्ट में। क्वेश्चन बोल रहा है कि सो करिए कि जो रूट टू है और माइनस टू रूट टू है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, हमको ये सो करना है, मतलब सो मतलब हमको प्रूफ करना है कि ये टू रूट टू माइनस टू रूट टू और रूट टू इसके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, हम इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करेंगे एक्स की जगह पर, और वो अगर आर एच एस के बराबर आ गया तो सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, उसने साफ साफ बोल दिया सो डेट, मतलब प्रूफ कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए, जब प्रूफ करना है तो मतलब ये सॉल्यूशन है, हमको ये जीरो लेके आना है कैसे भी, ठीक है, सो डेट। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं रूट टू से। तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू रूट टू, रूट टू रखेंगे, रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू रूट टू माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, टू आ गया, रूट टू इंटू रूट टू, रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हो रूट खत्म हो जाता है बिल्कुल, टू आ गया, माइनस फोर इक्वल टू जीरो, टू प्लस टू फोर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, है ना, फोर माइनस फोर जीरो इक्वल्स टू जीरो, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, मतलब एल एच एस जो था वो आर एच एस के जीरो के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये बात समझ लो। जो रूट के ऊपर स्क्वायर होता है वो स्क्वायर को रूट को कैंसिल आउट कर देता है, कैसे कर देता है, जैसे बता देते हैं रूट टू स्क्वायर लिखा है, मैंने बताया था रूट टू को वन अपॉन टू लिख सकते हैं, तो टू की पावर में वन अपॉन टू लिख लू, इसकी पावर टू लिख लू, जब पावर है पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्सपोनेंट रूल, एक्सपोनेंशियल रूल सिक्स क्लास में पढ़े होंगे, तो टू वन अपॉन टू इंटू टू, नाइन्थ में पढ़ा होगा, तो टू से टू कैंसिल हो गया, टू की पावर वन, ठीक है, ये आ गया। इधर रूट टू इंटू रूट टू है, जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, कैसे खत्म हो जाता है, जैसे टू का मल्टीप्लाई टू में करेंगे, मैंने बोला टू का मल्टीप्लाई टू में कीजिए तो क्या आएगा, टू के ऊपर स्क्वायर, ऐसे रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू में कीजिए तो क्या आ गया, रूट टू के ऊपर स्क्वायर, रूट टू के स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, टू इंटू वन अपॉन टू इंटू टू, टू से टू कैंसिल, टू की पावर वन, ठीक है, नहीं समझ में आया, वैसे तो समझ में आ गया होगा। और ये हमारे रूल्स भी होते हैं कि रूट के ऊपर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा, रूट में रूट का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो रूट पूरा खत्म हो जाएगा, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, याद करने वाली बात नहीं, वहां से समझ में आ गया होगा वैसे भी आपके, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू रूट टू इसका जीरो है। अब बात आती है हमारे सेकंड जीरो की चेक करने की, माइनस टू रूट टू, क्या माइनस टू रूट टू भी है इसका जीरो या नहीं, तो x इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू करते हैं, तो x का स्क्वायर मतलब माइनस टू रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू माइनस टू रूट टू माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। माइनस से स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, नंबर तो पॉजिटिव आना है, टू का स्क्वायर फोर इंटू रूट टू का स्क्वायर, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, टू रूट टू इंटू टू रूट टू, ये तो होगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर मल्टीप्लाई करना, तो माइनस से माइनस पॉजिटिव हो गया, टू इंटू टू फोर, रूट टू इंटू रूट टू टू, फोर टू जा एट, सब है, टू का मल्टीप्लाई टू में कर दिया फोर आ गया, रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू में किया तो टू आ गया, फोर इंटू टू एट, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एट लिख दू, लिख दिया एट। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस रहता है, माइनस प्लस माइनस रहता है, ठीक है। अब देखिए आगे, रूट
टू का मल्टीप्लाई रूट में होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा रूट का मल्टीप्लाई रूट में करते हैं, वैसे भी नंबर में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, रूट मल्टीप्लाई रूट में होगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, टू का मल्टीप्लाई रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू में हो जाएगा, सिंपल। टू इंटू रूट टू हो गया, माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, एट माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो करना है, एट माइनस फोर माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो माइनस एट इक्वल जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, एल एच एस बराबर आर एच एस, हेंस प्रूव्ड माइनस टू एंड माइनस टू रूट टू आर दी जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब कभी भी बोले आपसे कि प्रूफ कीजिए कि ये जीरोस हैं, या फिर चेक कीजिए ये जीरोस हैं या नहीं है, या फिर यही बोलेगा चेक कीजिए जीरोस हैं या नहीं है, या फिर बोलेगा प्रूफ कीजिए जीरोस हैं या नहीं है, तो क्या करना है आपको, सीधे उन जीरोस की जो वैल्यू दे रखी है, मतलब जो एक्स की वैल्यू दे रखी है, उनको एक्स की प्लेस पे पुट कर दीजिए। आप अगर आर एच एस के बराबर ले आते हैं तो जीरो है, अगर नहीं ला पाते हैं तो जीरो नहीं है, अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो फिर वो आपकी गलती है, वो मिस्टेक सुधारने का तरीका प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके मिस्टेक करने के चांस कम होते जाएंगे। अब हम यहाँ तक जीरोस को तो वेरीफाई करना सीख गए कि जीरो है या नहीं है ये चेक करना, या फिर और भी काम जीरोस के सीख गए। अब हमारा नेक्स्ट चीज आती है, अगर हमको जीरो दे रखा होगा तो अननोन्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ये हमारा नेक्स्ट चीज आता है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी मिलते हैं तो वो करते हैं। चलिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द गिवन इक्वेशन, के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू टू, फाइंड के ये करना है आपको। इसके अंदर आपको x की वैल्यू दे रखी है, मतलब इसका जो जीरो है वो दे रखा है, जीरो कितना है टू है इसका, या फिर इसका जो रूट है वो दे रखा है आपको, आपसे बोल रहा है कि इसके अंदर जो k है अननोन इसकी वैल्यू निकालिए, तो ये निकालना बहुत आसान होता है, कोई इसके अंदर हार्ड बात नहीं है, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं x की वैल्यू टू है, मतलब सब जगह x की टू रखना है हमको। चलिए रखते हैं k इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, टू का स्क्वायर फोर के प्लस टू इंटू टू फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, फोर माइनस थ्री वन प्लस फोर के इक्वल्स टू जीरो, फोर के इक्वल्स टू, हमको जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, एक बार समझ लीजिए, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उन सबको एक साइड रखते हैं, और जिसकी वैल्यू नहीं निकालनी होती, आई मीन जो कॉन्स्टेंट होते हैं उनको एक साइड रखते हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, के की निकालनी है, तो के को एक साइड रखेंगे और बाकी सभी को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे तो ओनली वन है तो वन को इधर ट्रांसफर किया, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, के की वैल्यू किसकी निकालनी है, के की, यहाँ पे क्या है, ये फोर की है, मतलब फोर एक्स्ट्रा है, तो फोर को भी उधर भेजना पड़ेगा, बट एक बात याद रखना, जो प्लस में होती है वो तो डायरेक्टली ऐसे चली जाती है, यहाँ पे प्लस में थी वो डायरेक्टली चली गई, माइनस में होती तो भी वो ऐसे चली जाती, लेकिन जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो ऐसे नहीं जाते हैं, वो ऐसे जाते हैं नीचे डिवाइड में, जो प्लस में होगी तो वो माइनस हो जाएगी उधर जाके, जो इधर माइनस है वो उधर जाके प्लस हो जाएगी, जो इधर मल्टीप्लाई है वो उधर जाके डिवाइड होगी, और जो इधर डिवाइड है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। कैसे बोल रहा हूँ बात फिर से देखिए, जैसे एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो है, तो जो प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, जैसे एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो है तो इसको उधर भेजेंगे, एक्स इक्वल्स टू थ्री, जैसे एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू वन है तो ये डिवाइड में है तो इसको ऐसे भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एक्स इक्वल टू वन इंटू थ्री इक्वल टू थ्री, और जैसे लिखा है थ्री इंटू एक्स इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू निकालनी है ये अलग है, तो थ्री को नीचे भेज देंगे, एक्स इक्वल टू वन अपॉन थ्री, बात समझ में आई, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, के की, के के साथ में फोर एक्स्ट्रा है, फोर को हमें हटाना पड़ेगा, हटाएंगे कैसे, गायब तो कर नहीं देंगे भाई, मैथ्स में हर चीज रूल के हिसाब से होगी, हर चीज का रूल बनाया गया है, तो ये क्या है फोर मल्टीप्लाई में, तो इसको नीचे ट्रांसफर कर देंगे, के इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन फोर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली मिलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स माइनस थ्री,
थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स माइनस थ्री, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें चेक करना है वो, सॉरी हमें इसमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू दे रखी है इसमें माइनस वन अपॉइंट टू, एक्स की वैल्यू है माइनस वन अपॉइंट टू, चेक कीजिए वो, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और साथ में ये भी बोलेगा दीज आर दी सॉल्यूशंस या फिर रूट्स या फिर जीरोस ऑफ इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालिए, सबसे पहले x की जगह सब कुछ दे, जो कुछ दे रखा है वो पुट कर दीजिए। 3 into minus 1 upon 2 का स्क्वायर प्लस 2 into k into minus 1 upon 2 minus 3 equals to 0। 3 minus से स्क्वायर माइनस हट गया, 3 into 1 upon 2 का स्क्वायर 1 upon 4 प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है तो प्लस माइनस माइनस रहता है, यहाँ पे आ गया माइनस 2k into 1 upon 2 minus 3 equals 3 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या बोला था मैंने, जो निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी का मटेरियल एक साइड ट्रांसफर कर देते हैं। के हमको चाहिए तो के को एक साइड रख लेते हैं, बाकी सबको उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। के चाहिए तो माइनस के इधर ही रह जाएगा, बाकी सारी चीजें माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3, प्लस का 3 अपॉन 4 इधर जाके माइनस का 3 अपॉन 4। सॉल्व करते हैं, माइनस के इक्वल टू एलसीएम लेंगे 4, 4 थ्री 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 9, 9 अपॉन 4। के की वैल्यू कितनी आई, 9 अपॉन 4। नहीं, अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस के इक्वल टू 9 अपॉन 4। हमें के की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, माइनस के की, तो माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, के इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4, दिस इज द आंसर। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार करा देते हैं, फाइंड के एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस ए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस के प्लस टू ए एक्स, और यहाँ पे माइनस के इक्वल टू जीरो, और एक्स की वैल्यू साथ में दे रखी है माइनस ए, मतलब कि हमको जो जीरो है वो हमको ए दे रखा है, नहीं सॉरी माइनस ए दे रखा है, और हमको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी वो नंबर की फॉर्म में नहीं आएगी, कुछ अलग ही आएगी। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है हमको, x की जगह पे सब जगह k a रख देना है, रखते हैं 2a into minus a minus k equals to 0, माइनस से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a into a 2a स्क्वायर माइनस k equals to 0। जो चाहिए होता है उसको इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, के चाहिए माइनस के, इधर माइनस का है ये, इधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस के 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर गया। अच्छे से देखो यहाँ पर 2a स्क्वायर मतलब दो ए स्क्वायर है, दो ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर जाएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, तो के की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई ना, देखो जैसे अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा होता है उसको क्या करते, 2a स्क्वायर है ना, तो इस 2a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक a स्क्वायर से एक स्क्वायर गया, a स्क्वायर बचा, याद है, समझ लीजिए। या फिर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये बोल रहा है दो है a स्क्वायर, ये बात क्या बोल रही है, दो a स्क्वायर है, दो a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर जाएगा, इसके आगे 1, एक a स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, दो में से एक गया 1, 1 a स्क्वायर, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्या होगा, सीधी बात है, आपके सॉल्यूशन दे रखा होगा आपको, या तो बोलेगा चेक कीजिए ये सॉल्यूशन है या नहीं, या बोलेगा ये सॉल्यूशन है बट यहाँ से किसी अननोन की वैल्यू निकालिए, के निकालिए, एफ निकालिए, पी निकालिए, जी निकालिए, ए बी सी डी निकालिए, कुछ ना कुछ निकालते रहिए, बस नंबर लेके आइए, आई मीन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नंबर से कुछ होता नहीं है, ठीक है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होगी तो आपका एक टेस्ट खराब हो सकता है, दो टेस्ट खराब हो सकते हैं, तीसरा नहीं होगा। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पहला सही कर लोगे तुक्के में, दूसरा सही कर लोगे, जो मेन चीज़ होती है वहाँ पे हमेशा ये चीज़ तुक्के वाली फेल हो ही जाती है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास अगर बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स पर भी कुछ असर पड़ता है तो आप, लेकिन आपके पास नॉलेज होगी तो
तो आप आगे लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हो। और मार्क्स इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता इंसान को, किसी के मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई फाई होते हैं, मतलब हाई फाई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी के कुछ नहीं होते, वो भी लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं, IAS 60% वाले मार्क्स वाले बन जाते हैं। तो मार्क्स से किसी इंसान को डिफाइन नहीं किया जा सकता। बस ये अपना काम क्या है, अभी अपना काम पढ़ना है, अभी हमारा काम क्या है, हमको मार्क्स लेके आने हैं तो अभी हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हमारा और कोई काम नहीं है अभी। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर देते हैं। मैंने बोला मार्क्स से कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो अब तुम लोग पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दो, अभी अपना काम मार्क्स लाना ही है, अभी अपना काम पढ़ना ही है। किसी के मार्क्स कम आते तो उसके लिए बात है कि मार्क्स से कुछ होता नहीं है, इंसान को डिफाइन नहीं करता है। लेकिन अभी अपना काम क्या है, हमारे ऊपर हमारे घर वाले पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको उनको रिटर्न भी देना पड़ेगा। रिटर्न क्या है, अभी मार्क्स लेके आने हैं, और उस मार्क्स से हमारा ही भला होगा, घर वालों का नहीं होगा। हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हम ही कुछ अच्छा बन जाएंगे, हम ही कुछ अपने लिए अच्छे से कमा लेंगे, खा लेंगे, अपनी फैमिली को खुश रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचना कि मार्क्स से कुछ नहीं होता तो आज से पढ़ना बंद, सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं करना है। 2x² + kx - 6 = 0, if one root of the quadratic is 2, find the value of k is 2, find k, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन में लिखा है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन हो रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, आई थिंक ये -2 है, नहीं 2 ही है, ये जो इसका एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 2 है, इसके अंदर k की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और होता है फाइंड द अदर रूट, तो ये हमने अभी रूट निकालना तो सिखाया नहीं है, ये पार्ट और होता है फाइंड अदर रूट। राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस ना कीजिए, पढ़ाई पे कीजिए, ठीक है। तो अदर रूट निकालना होता तो अभी हमने रूट्स निकालना तो सिखाया नहीं है, रूट जब निकालना सिखाएंगे तो अदर रूट भी निकालना आ जाएगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे रूट्स निकालना, रूट्स सॉल्यूशन जीरोस निकालना नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे, अभी हम जीरोस के बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये सब आता होगा तो फिर तो रूट्स निकालना ईजी है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, तो इसके अंदर एक बात लिखिए वन रूट मतलब क्या, इसके कितने रूट होते हैं, इसके कितने रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने रूट होते हैं, एक से ज्यादा रूट होते हैं। यहाँ पे जब लिखा हुआ है वन रूट, एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट निकालना होता है इसका, तो ठीक है। तो एक बात याद रखिए, नोट करके लिख लीजिए, कहीं स्टार पॉइंट बना के या फिर नोट करके लिख लीजिए, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितनी उसकी डिग्री होगी, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे, ठीक है। जैसे लीनियर होती है तो लीनियर की डिग्री कितनी होती है, 1, तो उसके अंदर x की वैल्यू सिर्फ एक ही निकल के आती है, नंबर उसके अंदर x वैल्यू एक निकल के आता है। जिसकी 2 होती है उसके अंदर x वैल्यू 2 निकल के आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट। तो हम पढ़ के आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 होती है तो इसके अंदर इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलीनोमियल पढ़ेंगे तो क्यूबिक पॉलीनोमियल की डिग्री 3 होती है, उसके रूट्स भी 3 होंगे। बाई क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक के अंदर 4 डिग्री होती है, उसके रूट्स भी 4 होते हैं। ये हमने निकालना भी सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, डिवाइड करते थे तो उसके 2 जीरो दे रखे होते थे, फाइंड द अदर 2 जीरोस, x = √3, 2 - √3, याद आ रहा होगा, जैसे मैंने बोला था x = √3 and x = √2 - √3 आर 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सॉरी आर 2 जीरोस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, फाइंड द अदर 2 जीरोस, एंड सेट ए क्वेश्चन है, आई थिंक लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है। तो देखिए अब हम हमारा ये सब छोड़ते हैं, हमारा मेन काम अभी इस पे फोकस करना है, इसके अंदर k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x वैल्यू 2 दे रखी है तो x वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे, 2 × 2² + k × 2 × 2² = 4 + 2k - 6 = 0, 8 - 6 + 2k = 0। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स एक साइड और जो नहीं निकालना वो एक साइड, मतलब जो निकालना होता है वो एक साइड, ठीक है, 2 के वेरिएबल नहीं, जो निकालना होता है वो एक साइड, बाकी का सब चीज उस साइड। तो 8 - 6 2 आएगा यहाँ पे,
टू आएगा ना, तो टू क्या आएगा, प्लस का आएगा, उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। देखिए एक स्टेप और कर देते, 8 - 6 2 + 2k = 0। तो यहाँ पे क्या है, 2 प्लस का इधर ट्रांसफर किया तो ये माइनस का हो गया, 2k = -2, k = वैल्यू किसकी निकालनी है, k की, साथ में क्या है 2 है, वैल्यू हमको k निकालनी है, साथ में 2 को नीचे भेज दें क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चीज नीचे डिवाइड में आती है, k = -2/2 - 1, k की वैल्यू कितनी आ गई -1। इसका जो सेकंड पार्ट है फाइंड द अदर टू जीरोस, वो हम जीरोस निकालना सिखाएंगे तब करा देंगे, अभी तो इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, k की वैल्यू -1 आ गई, ओके। इसका एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, उसे वो कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² - 2kx + 2m = 0, इट इज एक्स, 2kx + 2m = 0। इसके अंदर बोल रहा है फाइंड के एंड एम। ठीक है, अब तक के निकालना सीखा तुमने, ऐसा बोल रहा है के एंड एम, दो वेरिएबल दोनों निकालिए, के और एम, इन दोनों को निकाल के दीजिए, और साथ में यही बोला x = 2 and x = 3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा, इफ x = 2 and x = 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ x = 2 and x = 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k एंड n। ठीक, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, जिसमें k और m के लिए निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, x = 2 रखेंगे इसमें, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 3 × 2² - 2 × k × 2 + 2m = 0, m की जगह पर 2 नहीं रखेंगे, याद रखना 2 का रखते हैं x की जगह पर, ये जीरोस किसके हैं, x के हैं, तो x की जगह पर रख देंगे, 2² 4, 4 × 3 = 12, 3 × 4 - 2 × 2 = 4k + 2m = 0, 4 × 3 = 12 - 4k + 2m = 0। जो निकालना होता है उसको इस साइड रखते हैं, जो नहीं निकालना होता उसको उस साइड फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसको एक साइड रखेंगे, फेंकना नहीं मतलब आराम से रखना है, 4k + 2m, प्लस का 12 है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक, एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, x की जगह एक बार 3 रखेंगे, x = 3, जब 3 रखेंगे तो 3 × 3² - 2 × k × 3 + 2m = 0। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 9 2 × 3 - 6, ये 9 है, -6k + 2m = 0, 9 × 3 = 27, -6k + 2m = 0। जो निकालना होता है उसको इधर, जो हमको फाइंड आउट करना होता है उसको इधर रखेंगे भाई, सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे, -6k + 2m = -27। ठीक है, अब देखिए ये और ये, ए दो दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्या तरीके होते हैं दो इक्वेशन सॉल्व करने के, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सबसे इजी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन लगाते हैं, देखिए यहाँ पे 2m और 2m दोनों इक्वल है, 2m इक्वल है, साथ में प्लस का साइन है, तो एलिमिनेशन क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब वेरिएबल सेम हो, उसका कोफिशियंट भी सेम हो, साइन भी सेम हो, तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग कीजिए, ये सब तो टर्म 1 में सीख के आए होंगे। देखिए -6k + 2m = -27, -4k + 2m = -12। जब एलिमिनेशन में माइनस करते हो, नीचे के साइन चेंज करते हैं, तो माइनस की चीज प्लस की चीज माइनस की, माइनस की चीज प्लस की। ठीक है, अब इसके ये वाले साइन कंसिडर किए जाएंगे, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट, -6k + 4k, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, तो -6k और +4k बड़ा कौन सा है, 6k, तो क्या आएगा, -k 2k। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया, -2k, -27 +12, ये प्लस है, 27 में से 12 गए, बचे कितने, 15 ही बच रहे हैं ना, हाँ 15 बच रहे हैं,
क्योंकि साइन किसका आएगा, ये माइनस का बड़ा है ना, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, ठीक है 15/2 आ गई, के की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, एम की वैल्यू निकालिए, ठीक है के की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। चलिए कहाँ पे पुट करें, कौन सी सिंपल इक्वेशन है, ये सिंपल है, इसमें पुट करते हैं, -4 k की वैल्यू कितनी 15/2, आई थिंक माइनस में आई थी, k की वैल्यू नहीं प्लस में ही है, 15/2 प्लस 2m इक्वल टू -12, ठीक है 2 से ये कितने आ गया 2 बार, 15 2 जा 30, -30 प्लस 2m इक्वल टू -12, इसको अब हम इधर भेज देंगे, लेकिन ये कैसा है, माइनस का तो उधर आएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का। बच्चों सोना नहीं है, सोने के लिए पढ़ रहे हो क्या, सोने के लिए वीडियो देख रहे हो क्या, नहीं अच्छे से टेबल पे बैठ के पढ़ा करो, ठीक है आगे देखते हैं। तो 2m इक्वल टू -12 प्लस 30, इधर उधर क्या देख रहे हो भाई, पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो ना अच्छे से, 30 में से 12 गए 10 और 8 18, m इक्वल्स टू 2m इक्वल्स टू 18, एंड यहाँ पे करते हैं 2m इक्वल्स टू 18, इसको नीचे भेजेंगे तो m इक्वल्स टू 18/2 m इक्वल्स टू 9, तो k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू आई 15/2 और m की वैल्यू आई 9, ठीक है हो गया, ये भी सिंपल सा था, समझ गए ना क्या करना होता है, हमको जो जीरो दे रखा होता है उस जीरो को पुट करते चलिए, इक्वेशन होने तो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, नहीं होने तो सिंपल सा हो जाएगा सॉल्व, कोई ज्यादा हार्ड एंड वाली बात है नहीं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, इसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं, ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, आप लोग सोने भी लग गए बैठे बैठे, लेकिन काम आपका पढ़ना है वो कर नहीं रहे, सो रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, बोर हो रहे हो। चलिए आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन बी एंड एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन ए, चेक वेदर given value of x are solution or not, ठीक है ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखी है, ये आपके x की वैल्यूज दे रखी है, आपको चेक करना है कि ये दोनों इसके सॉल्यूशन है या नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, आपके आंसर का आपका जो कमेंट करोगे उसका जवाब मैं दे दूंगा आपको, बस आपको कमेंट करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, ओके तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कर लेना, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, ठीक है तो करना है, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जब तक आप यहाँ तक आ चुके हो, तो नहीं आ चुके तो फिर उन बच्चों का बैड लक, आप लोग आ चुके हो पढ़ाई वाली चीज़ पूरी देखते हो, फालतू की चीज़ें पूरी पूरी देखते हो, ठीक है तो इसको पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसके नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे हम आपको, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सिखाएंगे, इसका नहीं मतलब सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना सिखाएंगे, इसके अंदर हमने क्या सिखाया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन चेक कैसे करते हैं, अननोन कैसे निकालते हैं, चार चीजें क्लियर करा दी, अब सॉल्यूशन निकालना सिखाएंगे आपको, आप चेक करना सीख गए, आपको सॉल्यूशन पता चल गया क्या होता है, अब निकालना सिखाएंगे, निकालने के तीन तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन सबके बारे में बताएंगे क्या होता है, इनको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ओके, तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।